हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला बैंगन। मसाला बैंगन बनाने के लिए हमने लिए हैं ये 10-12 मैंने छोटे साइज के बैंगन लिए हैं, जिसका मैंने ऊपर का पोर्शन कट करके उसे ऐसे दो कट्स दिए हैं। ये मैंने पानी में भिगा के रखे हैं। 15 हमने लहसुन की कलियां ली है, 1.5 इंच का अदरक का पीस लिया है, ये 3 टेबलस्पून मैंने ग्रेटेड कोकोनट लिया है ड्राई वाला, 1 मुट्ठी हमने धनिया पत्ती ली है, ये 3 टेबलस्पून पीनट का पाउडर है, 1 हमने मीडियम साइज का प्याज लिया है, 3 टेबलस्पून हमें ऑयल लगेगा, ये कुछ मसाले हैं जिसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है और ये 1/2 टीस्पून हमने राई ली है। तो आइए मसाला बैंगन बनाना शुरू करते हैं। ये हमने मिक्सी का पॉट लिया है जिसमें अभी हम ये मसाले डाल के उसको ग्राइंड करके लेंगे। ये पहले कोकोनट डाला है, ग्रेटेड कोकोनट, ये प्याज है, जिंजर गार्लिक लिया है और कुछ हम धनिया पत्ती इसमें डालेंगे। तो पहले हम इसे मिक्सी में बारीक करके लेते हैं और ये हमने 1/2 टीस्पून नमक लिया है। अभी ये नमक हम इस बैंगन को ऐसे अंदर से लगाएंगे ताकि उसका टेस्ट अच्छा आ जाए सब्जी में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा नहीं लगाना है, इस तरह से मैं अभी सभी बैंगन को ये लगा लेती हूँ नमक। गैस ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई हमने रख ली है। अभी ये 3 टेबलस्पून ऑयल हम इसमें डालेंगे। आपको कम ज़्यादा करना है तो ऑयल की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम अभी ये थोड़ा राई डालेंगे। राई हमारी चटकना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें ये जो हमने मसाला मिक्सी के जार में बारीक करके लिया था वो इसमें ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। मसाले को हमें उसे ऑयल छोड़ने तक भूनना है अच्छे से। ये मसाला हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अभी ये सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। सभी मसालों को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और थोड़ा पानी डालते हैं इसमें और इसे सभी मसाले को ऑयल छूटने तक हम अच्छे से भून लेते हैं वापस। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले ने ऑयल छूटना शुरू किया है। अभी हम ये बैंगन इसमें ऐड करेंगे। और इसे भी मसाले के साथ भून लेंगे थोड़ा। एक 2 मिनट के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन रखते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, हम ये खोल के देखते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी आप आपकी चॉइस के अनुसार डालिए।
मैं मीडियम कंसिस्टेंसी का बना रही हूँ, उस हिसाब से पानी डाल रही हूँ। अभी हम इसमें ये थोड़ा सा पीनट पाउडर डालेंगे, ये 3 टेबलस्पून हमने डाला है। अभी हम गैस का फ्लेम स्लो करके इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। हम चेक करते हैं हमारे बैंगन पके हैं क्या। ये हमारे बैंगन पक चुके हैं, हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। हमने इसे 15 मिनट के लिए बॉईल करके लिया है सब्जी को, और बीच बीच में हम इसे हिलाते रहे हैं ताकि नीचे लग ना जाए मसाला। अभी हमारी सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है। ये थोड़ा सा धनिया पत्ते हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी है। अभी मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल के देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मसाला बैंगन की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।